हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। पूरा हिंदी में समझेंगे हम टेंसेस को, जर्मन में टेंसेस, और उसको देखेंगे हिंदी में और इंग्लिश में कंपेयर करके। इंग्लिश में कैसे बनाते हैं हम टेंसेस और जर्मन में कैसे बनाते हैं, मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे, हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश में भी मैं बताऊँगा आपको। तो टेंसेस देखेंगे, बहुत प्रॉब्लम होती है, कितने टेंसेस होते हैं और मेन कौन कौन से होते हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं जर्मन में। ठीक है, इंग्लिश में तो हमें पता ही है, जर्मन में थोड़ा देख लेते हैं एक बार किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। यहाँ पढ़ सकते हो सेंटेंसेस मैंने हिंदी में लिखे हैं बेसिकली। तो टेंस, प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूस टेंस सेम होता है जर्मन में, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला सेंटेंस है मैं जाता हूँ, और फिर है मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस क्या आपको पता है, कॉन्टिन्यूस अगर आईएनजी होता है, जैसे आई गो, अब मैं इसको अगर इंग्लिश में लिखता हूँ तो क्या होगा, आई गो, देखो क्या बनेगा, आई गो। और जर इंग्लिश में ये मैं जा रहा हूँ मीन्स आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। ठीक है, दिस इज इंग्लिश। So these are two different sentences. In English, we have two different sentences. I go and I am going. Right? But in German, there is only one sentence. So first of all, the verb is to go. Go is the verb. Huh? So how do I say in German? Can you say? Write in the comment. Okay, see. Ich gehe. Ich gehe. It means I go or I am going. Both. Ich gehe. Main jata hun. और मैं जा रहा हूँ, दोनों का मतलब ये है इश गेयर। ठीक है, यही जर्मन है, यही आपको सीख रहे हैं सेंटेंस फॉर्मेशन और टेंसेस आपको समझने होंगे। ठीक है, अच्छे से इसी तरह से हम टेंसेस को करते हैं जर्मन में। ठीक है, इश गेयर और मींस आई गो और आई एम गोइंग, तो प्रेजेंट टेंस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस भी यही है और प्रेजेंट टेंस भी यही है, देर इज नो सेपरेट कॉन्टिन्यूस टेंस। जर्मन में कॉन्टिन्यूस नहीं होता, आई एन जी वाले सेंटेंस ये लाइक आई एम गोइंग, इस तरह सेंटेंस नहीं होता जर्मन में। ठीक है, तो मैं जाता हूँ और मैं जा रहा हूँ इश गेयर। ठीक है, यही सेंटेंस बनेगा। और भी सेंटेंस लिख सकते हैं हम, जैसे कि हिंदी में आपने बोला मैं लिख रहा हूँ, या मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ और मैं खेलता हूँ। तो वर्ब क्या, खेलना, स्पीलन, वर्ब इज स्पीलन। ठीक है, सेंटेंस इश स्पीलर। अब इश स्पीलर मीन्स दिस इज सेंटेंस, आई प्ले और आई एम प्लेइंग, बोथ, दोनों का मतलब है इश स्पीलर। ठीक है, दिस इज टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बोथ सेम इन जर्मन, इश स्पीलर और इश, मतलब इसका मतलब ये है मैं खेलता हूँ और मैं खेल रहा हूँ, आई प्ले और आई एम प्लेइंग। क्लियर है, समझ आया? जैसे ही सेंटेंस मैंने लिखा उसी तरह से ये एग्जाम्पल है, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, कमेंट करके बताना कोई डाउट है, कोई आपके माइंड में सेंटेंस आ रहा है तो। देखो जैसे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, कैसे बोलेंगे इसको, काम करना मतलब आरबाइटन, वर्ब है आरबाइटन, आरबाइटन वर्ब है, इतना तो पता है आपको। ठीक है, आरबाइटन मीन्स टू वर्क, तो मैं काम कर रहा हूँ, सिंपल इश आरबाइटे, दिस इज कॉल्ड वर्क कॉन्जुगेशन है, यही वर्क कॉन्जुगेशन मैंने सिखाई थी आपको, मैं काम कर रहा हूँ और मैं काम करता हूँ, दोनों का मतलब सेम है, इश आरबाइटे, तो दिस इज कॉल्ड वर्क कॉन्जुगेशन। अगर आप बोलते हो वह, ही इज़ वर्किंग और ही वर्क्स, देखो कैसे होगा, ही इज़ वर्किंग और ही वर्क्स, तो एर, एर मनी मीन्स ही, एर आरबाइटेड, वर्क एंडिंग ई टी, एर आरबाइटेड मीन्स ही वर्क्स और ही इज़ वर्किंग, बोथ एर आरबाइटेड, समझ गए? तो ये वहाँ पे वर्ब कॉन्जुगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वह काम करता है, वह काम कर रहा है। ठीक है, देखो मीन्स ही वर्क्स और ही इज वर्किंग, इन इंग्लिश दीज आर टू डिफरेंट सेंटेंसेस, बट इन जर्मन एर आर बाइटेड, arbeitet, that's it, finish। तो इंग्लिश के दो सेंटेंस इक्वल टू जर्मन का एक। हिंदी में भी क्या बोलेंगे, वह काम करता है, वह काम कर रहा है, बट जर्मन में एक ही बनेगा, er arbeitet। अगर लड़की होती तो इसको यहां पे जी, ये स्मॉल है बट फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होगा, जी arbeitet मींस वह काम करती है, वह काम कर रही है। अब क्वेश्चन ये कि पहचानेंगे कैसे कि कॉन्टिन्यूस है या सिंपल टेंस है, ये आपको कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करना होगा। पीछे कॉन्टेक्स्ट होगा, कोई पैराग्राफ लिखा होगा, कोई बात पीछे से आ रही होगी, चलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट
what is written in the previous sentence, what is mentioned already. So we have to keep that in mind, and then we'll consider, is it continuous tense or is it present indefinite tense. Clear? चलिए second point पे आते हैं. देखो, वह पीता है, वह पी रहा है, राम खेलता है, राम खेल रहा है. सेम ता और रहा, आप देख रहे हैं यहाँ पे. अब पीता मतलब ड्रिंक, तो वह एर ट्रिंक्ड हो गया. एर ट्रिंक्ड मीन्स वह पीता है और वह पी रहा है, एक ही सेंटेंस. इन इंग्लिश ही ड्रिंक्स और ही इज ड्रिंकिंग. ही ड्रिंक्स एंड ही इज ड्रिंकिंग, बट इन जर्मन एर ट्रिंक्ड. तो जर्मन में एक ही सेंटेंस आपका सफिशियंट है प्रेजेंट टेंस. कॉन्टिन्यूस हो और प्रेजेंट इनडेफिनेट हो, जस्ट वन सेंटेंस एर ट्रिंक्ड. डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट, एर है तो ट्रिंक्ड, इश है तो ट्रिंके. नेक्स्ट, राम खेलता है, राम खेल रहा है. तो रहा है मतलब कोई काम हो रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस इन इंग्लिश. दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस, सम एक्शन इज बींग डन. अब वह खेलता है, खेलना था स्पीलन, सो एर स्पील्ड, दैट्स इट. और सो इट मीन्स राम प्लेस और राम इज प्लेइंग, बोथ मीन्स एर स्पील्ड. और वी कैन से नेम राम, सो राम स्पील्ड मीन्स राम प्लेस और राम इज प्लेइंग, बोथ एज ए सेट. दोनों सेंटेंस जर्मन में एक ही होगा. ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक राम इज प्लेइंग. अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं जब इसको जर्मन में बोलेंगे तो राम इस्ट स्पीलन, ये गलती कभी मत करना. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये मिस्टेक होती है, ये मत करना. इस्ट नहीं आएगा, डबल वर्ब नहीं आएगा. इंग्लिश में आपने एज इट इज ट्रांसलेट कर दिया वर्ड टू वर्ड, राम इज प्लेइंग, इज को सोचा इस्ट, प्ले को स्पीलन, दैट इज रॉन्ग. करेक्ट क्या होगा, राम स्पील्ड, ओनली टू वर्ड्स. वी डोंट नीड हेल्पिंग वर्ब इन इंग्लिश, इज हेल्पिंग वर्ब, बट इन जर्मन वी नीड मेन वर्ब इन प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब चाहिए स्पीलन. राम स्पील्ड इसका मतलब है राम प्लेस और राम इज प्लेइंग, राम खेलता है और राम खेल रहा है, दोनों का मतलब सेम है. ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है. तो हिंदी में क्या होता है, ता एंड में ता होता है या फिर रहा है या रही है. ठीक है, तो ता वाला होता है ये वाला सेंटेंस जो इसको बोलेंगे प्रेजेंट इनडेफिनेट. ठीक, और ये होता है कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. पहचान आपको होनी चाहिए हिंदी में भी. ठीक है, जर्मन में ओनली वन सेंटेंस, जस्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दैट्स इट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब. अब यू नो सब्जेक्ट देर आर डिफरेंट, इश है, दू है, एर है, जी है, एटसेट्रा, वी आर, ई आर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्जुगेट करना होगा. इश के साथ ई एंडिंग, दू के साथ एस टी एंडिंग, एर जी के साथ टी एंडिंग, वी आर के साथ ई एन, तो कॉन्जुगेट करोगे तो अपने आप सेंटेंस बन जाएगा. ये मैंने पहले सिखाया था कॉन्जुगेशन कैसे करते हैं, अभी क्लास फाइव की मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, क्लास फाइव के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो उसमें बेसिक्स मैंने बताए हैं बिल्कुल. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बिगनर्स. डोंट थिंक दैट यू आर इन एडवांस लेवल, यू आर इन ए टू और बी वन, यू शुड नॉट वॉच दिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ऑल माई वीडियोज, कुछ ना कुछ आप जरूर सीखोगे. यू विल लर्न एटलीस्ट वन थिंग, बट दैट इज ऑल्सो गुड. एवरी स्टेप इज मैटर, एवरी स्टेप इज इम्पॉर्टेंट, ईच पॉइंट, ईच कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. You must learn something. So don't ignore, don't think that, okay, I know this. Maybe you are not aware. Next, देखेंगे आप. देखो perfect tense. English में perfect means something has been done. Work has already done. That is called perfect. So basically we say verb plus verb third form has और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड परफेक्ट टेंस इन इंग्लिश. बट इन जर्मन अगेन वी हैव हावन और जाइन प्लस परफेक्ट,
सो ये थोड़ा सा इंग्लिश के सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के सिमिलर है। कैसे होगा देखते हैं सेंटेंस। वह पढ़ चुकी थी, वह पढ़ चुकी थी, वह मैं जा चुका था। यहाँ पे है भी लिख सकते हैं मैं जा चुका हूँ, वह पढ़ चुकी है। प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं, राम खेल चुका है, कमल लिख चुका है, ठीक है। तो लिखना श्राइवन, खेलना स्पीलन, जाना गेयन, पढ़ना लेजन, ठीक है। इसको सेंटेंस में कैसे बनाएंगे देखो। वह पढ़ चुकी है मीन्स देयर इज अ गर्ल, सो जी हट गिलेसन, जी हट गिलेसन, शी हैज रेड, शी हैज रेड। मैं जा चुका हूँ, इश बिन गिगांगन, इश बिन गिगांगन, बिकॉज गेन टेक्स हेल्पिंग वर्ब साइन। आई हैव गॉन, राम खेल चुका है, राम हैज प्लेड, सो राम हाट गिस्पील्ड। अभी दोबारा से बताऊंगा मैं। कमल लिख चुका है, कमल हैज रिटन, कमल हट गिश्रीवन। सो इन जर्मन ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब प्लस परफेक्ट फॉर्म, लाइक इन इंग्लिश हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। देखते हैं एक बार दोबारा इंग्लिश में, वी हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इन जर्मन हैवन और साइन, ये आपने पढ़ा, प्लस पार्टिसिप्स वाय, ठीक है। दिस इज इन इंग्लिश, लाइक आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूँ, इसका क्या मतलब है, मैं पढ़ चुका हूँ। इन जर्मन एश हाव गिलेसन, इश हाव गिलेसन। तो यहाँ पे आप थोड़ा कंपेयर कर सकते हो इंग्लिश से, ठीक है। सेकेंड पोजिशन पे हेल्पिंग वर्ब, लास्ट पोजिशन पे पार्टिसिप्स वाय, इसको बोलते हैं पार्टिसिप्स वाय, ठीक है। हर एक वर्ब की एक परफेक्ट फॉर्म होती है, जैसे पार्टिसिप्स वाय इज लाइक वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे होता है रीड रेड रेड, गो वेंट गोन, पढ़ा ना आपने, जैसे गो थर्ड फॉर्म क्या होगी गोन, सी थर्ड फॉर्म क्या होगी सीन, ईट एंड थर्ड फॉर्म इज ईटन। सो सिमिलरली इन जर्मन देखो, गो इज गेयन एंड गिगांगन, ठीक है। गिगांगन मीन्स गॉन। सिमिलरली सी, सी मीन्स जेयन और गिजेयन, लाइक दिस। सिमिलरली एसन गिगेसन, सो इट्स लाइक इन इंग्लिश, जैसे इंग्लिश में होता है उस तरह से एवरी वर्ब हैज इट्स परफेक्ट फॉर्म। सो यू हैव टू मेमोराइज दिस परफेक्ट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड पार्टिसिप स्वाय, पार्टिसिप स्वाय बोलते हैं इसे, और पार्टिसिप परफेक्ट भी बोलते हैं। तो समथिंग हैज डन, समबडी हैज डन समथिंग, कोई काम कर चुका है ना, तो उसके लिए हम बोलेंगे परफेक्ट। जैसे कि मैं आज मैं सो चुका हूँ, अब नहीं सोऊंगा, मैं ऑलरेडी सो चुका हूँ, तो आई हैव स्लेप्ट, आई हैव स्लेप्ट। तो इश हाब, इश हाब स्लेप्ट क्या होगा गिश्लाफन, इश हाब गिश्लाफन, आई हैव स्लेप्ट, मैं ऑलरेडी सो चुका हूँ। तो हिंदी में क्या होते यहाँ पे आएगा चुका हूँ, बिकॉज आप कोई भी काम कर चुके हो ना, मैं सो चुका हूँ, यू हैव डन, आप सो चुके हो, आप खा चुके हो, आप पी चुके हो, खेल चुके हो, तो दैट इज कॉल्ड पार्टिसिप स्वाय या फिर पार्टिसिप परफेक्ट, इसको बोलते हैं पार्टिसिप परफेक्ट, पार्टिसिप स्वाय, इसी के नाम है अलग अलग, क्लियर है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब देखो मोडाल वर्ब में भी केस होते हैं, मोडाल आपको पता है क्योलन वॉलन म्यूसन ड्यूरफन म्यूस्टन, जर्मन में जैसे तुम कर सकते हो,
कर सकते हो, सकते मतलब क्योंन, यू कैन डू, तुम कर सकते थे, यू कुड डू, कैन कुड, तो यहाँ पे क्योंन और क्योंटन कॉन्टन विदाउट उमलाउट, ठीक है, कर सकते थे कॉन्टन, कर सकते हो क्योंन, मैं जाना चाहता था, चाहता था वोल्टन, मुझे जाना पड़ा मुस्टन, ठीक है, ये होते हैं मोडायर वर्ब। अब इसको क्या बोलेगा, प्रेटेरिटम, प्रेटेरिटम, और इंग्लिश में पास्ट टेंस, दिस इज पास्ट टेंस, आई हैड टू गो, आई वॉन्टेड टू गो, आई कुड नॉट डू, यू कुड डू, वी कुड नॉट डू, वी कुड डू, ठीक है, कैसे बनेगा सेंटेंस देखो, तुम कर सकते हो ना, यू कैन डू दिस, डू कांस्ट माखन, मैं नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू, इश कॉन्टे निष्ठ माखन, कॉन्टेनिस्ट महान। अब आपको पता है मोडाल वर्ब के साथ इन्फिनिटिव आती है लास्ट में, दिस इज इन्फिनिटिव, दिस इज मोडाल, दिस इज मोडाल, दिस इज इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव लास्ट पोजिशन, डू कांस्ट महान मीन्स यू कैन डू, तुम कर सकते हो, इश कॉन्टेनिस्ट महान, आई कुड नॉट डू, मैं नहीं कर सका, पास्ट टेंस, ठीक है, समझ रहे हो, मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, और मैं चाहता था, आई वॉन्टेड, ठीक है, दो सेंटेंस हैं, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, मैं चाहता था, तो देखो इश म्योस्टे, क्या वो आप पूरा लिख दोगे आगे, इश म्योस्टे, आई वॉन्ट, मैं चाहता था, पास्ट टेंस, पुरानी बात कर रहे हो पास्ट की, इश वॉन्टेड, सो सॉरी जर्मन में इश मोक्टे, हाँ क्या लिखते हैं, मोक्टे लिखते हैं, पास्ट है मोक्टे विदाउट अमलाउट, आई वॉन्टेड, ठीक है, तो मुझे करना पड़ा, मतलब पास्ट है, मुझे करना पड़ा ये काम, मैं नहीं करना चाहता था, बस मुझे करना पड़ा, क्योंकि पेरेंट्स ने बोला इसलिए मुझे करना पड़ा, आई हैड टू डू, क्या बोलते हैं, आई हैड टू डू, तो यहाँ पे म्यूसन पास्ट होगा मुस्टन, इश मुस्टे माखन, इश मुस्टे माखन, तो मोडाल वर्ब वेदर प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, इन्फिनिटिव विल कम इन द लास्ट प्लेस, इन्फिनिटिव विल कम इन द लास्ट प्लेस, वेदर यू आर यूजिंग मोडाल वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट गेगनवार्ट, और यू आर यूजिंग इन पास्ट टेंस फेरेगांगन हाइट, इन्फिनिटिव इज देयर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, क्लियर, तो ये हमने कुछ टेंसेस देखे, आपको कैसा लगा आज का वीडियो, क्लास कैसी लगी तो बताओ मुझे फीडबैक देके, फिर वॉन्ट सम अदर क्लासेस, सम मोर सेंटेंसेज, सम मोर एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दिस, आपको भी टेंसेज और अच्छे से पढ़ रहे हैं, और क्लैरिटी चाहिए तो मुझे फीडबैक देना, तो एक नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे टेंसेज के ऊपर ही, नहीं तो हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आउट विटरसेन।